नमो नमः छात्र मित्राणि भवताम समेसाम अस्याम ई पाठशालायाम स्वागतमस्ति। अशेष फलदातारं भवाब्धि तरणे तरिम शेषा शेषार्थ लाभार्थं प्रार्थये शेषभूषां। पुनः समेसाम स्वागतम। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का, विद्वज्जनों का स्वागत है आज के महाभाष्य पाठ के उपक्रम में। यह हमारा द्वितीय पाठ है। इस पाठ में हम आह्निक शब्दार्थः, अस्पसान्निकम् अथ शब्दानुशासनम्, लौकिकः वैदिकः शब्दः तथा अथ गौरीत्यत्र कः शब्दः, यह सब अंश इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले आह्निक शब्द से शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तावना करते हैं थोड़ी पहले कि भगवान पतंजलि ने जो महाभाष्य प्रणीत किया है वो द्वात्रिंशत् पादानां भगवान पतंजलि महाभाष्यम प्रणीतवान। सूत्राष्टाध्याय में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय के 4 पाद हैं। अतः कुल मिलाकर के 32 पाद है और 32 पाद के ऊपर जो महाभाष्य बनाया गया हुआ है पतंजलि के द्वारा, और एक एक पादस्य परिणतम भाष्यम आह्निकत्वेन विभक्तम, एक एक पाद के ऊपर बनाया हुआ भाष्य वो आह्निक के रूप में विभक्त है, विभाजित है। तत्र प्रथम पादस्य भाष्यस्य नवाह्निकम इति व्यवहारः, उसमें जो सूत्राष्टाध्याय में प्रथम अध्याय है और उसमें जो प्रथम पाद है रुद्रराजे रादेंगुणः इत्यादि वाला, यहां से शुरू होकर तो उसमें प्रथम पाद के भाष्य को नवाह्निकम कहा जाता है, क्योंकि उसमें नव आह्निकों का समावेश होता है। तो आह्निक शब्द का अर्थ हम देखें तो अह्ना निर्वृत्तम इति आह्निकम, अहना निर्वृत्तम इति आह्निकम, अहन शब्दात तेन निर्वृत्तम इति सूत्रेण ठक् प्रत्यय कृते, ककारस्य लोपे ठस्य स्थाने इकादेश इति चैत्यनेन आदि वृद्धौ कृते आह्निक इति शब्दः निष्पद्यते, तस्मात् स्वादिकार्ये आह्निकम इति शब्दः निष्पद्यते। तेन निवृत्तम, अहना निवृत्तम अर्थात एक दिन में बनाया हुआ, एक दिन में प्रणीत भाष्य, उसे कहते हैं आह्निक। तो पतंजलि ऋषि ने सभी आह्निक एक एक दिन में बनाए हुए हैं, ऐसा इससे हमें प्रतीत होता है। प्रथम जो आह्निक है उस आह्निक का नाम है पस्पसान्निकम। तो पस्पसान्निकम यानी पस्पसान्निक माने क्या, इसका शब्दार्थ यह हुआ है स्पर्श बाधन स्पर्शन यो हो इति धातु हो, तस्मात् धातु हो अतिशयन स्पर्शति। इस अर्थ में धातोरे का जो ओला देहे क्रिया सम बिहारे यंग इति सूत्रेण यंग प्रत्यय स्पर्श धन यंग संयगो हो इति सूत्रेण स्पर्श इति धातु हो द्वित्वे स्पस्य इति जाते, मतलब पूर्वोभ्यास इति सूत्रण अभ्यास संज्ञायां हलादि शेष इति प्राप्ते तम प्रवाद्य सर्वपूर्वाखयः इति सूत्रेण उभयोः सकारस्य सकारयोः लोपे पस्पस इति जाते। नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्य च इति सूत्रेण ल्यु प्रत्यय अनुबंध लोपे, यु इत्यस्य स्थाने युवर्णा को इत्यने अनादेशे अनुबंध लोपे पस पस अ इति जाते, य धन अ इति जाते। एकम सूत्रम अस्ति यंगोचीच इति सूत्रेण यंग प्रत्ययस्य लोपे पस पस इति जाते। स्त्रीत्वे अजाद्य तष्टाप इत्यनेन टाप प्रत्यय कृते पस पसा शब्द निष्पद्यते।
इस प्रकार से पस्पस शब्द की निष्पत्ति होती है। अतिशय जो स्पर्श करता है या अतिशय जो बांधता है किसको, तो व्याकरण को, अतिशय जो स्पर्श करता है व्याकरण के समीप जो ले जाता है या व्याकरण का महत्व जो पूरी तरह से बांधता है, अर्थात व्याकरण से उपोद्घात है इति कथयितुं शक्यते। पस्पसानिक यानी व्याकरण का एक उपोद्घात है, संपूर्ण आनिक व्याकरण के महत्व को प्रयोजन को बताता है। तो प्रस्तावना रूप यह संपूर्ण पस्पसानिक है, तो वह पस्पसानिक है। आगे है, पस्पसानिक जब शुरू होता है तो प्रथम ही सूत्र है अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। अब यह सूत्र है अथ शब्दानुशासनम, यह सूत्र को देखते ही हमें विचार आता है कि यह सूत्र वार्तिककार कात्यायन प्रणीत है या भाष्यकार पतंजलि प्रणीत है या यह सूत्र खुद सूत्रकार पाणिनि ने बनाया है। कई कई लोग शंका करते हैं कि यह प्रथम सूत्र पाणिनि जी का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृद्धिरादेच इस सूत्र के भाष्य में महर्षि पतंजलि ने ही लिखा है कि वृद्धिअर्थ मंगलार्थम वृद्धि शब्द आदौ प्रयुक्ते। महर्षि पाणिनि ने वृद्धिरादेच में जो वृद्धि शब्द प्रयुक्त किया है वह मंगलार्थक प्रयुक्त किया है, इस प्रकार का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है वृद्धिरादेच के भाष्य में। अतः हम जानते हैं कि यह अथ शब्दानुशासनम यह पाणिनि जी का सूत्र नहीं है, अन्यथा पतंजलि ऐसा नहीं लिखते। यह वार्तिककार का भी वार्तिक नहीं है, और क्योंकि इसमें कैयट इत्यादियों के प्रमाण मिलते हैं, तो यह नितराम सिद्ध है कि अथ शब्दानुशासनम यह महर्षि पतंजलि का ही प्रणीत आद्य सूत्र है। क्यों? क्योंकि पतंजलि उसने भाष्य किया है और इस सूत्र का भी उन्होंने भाष्य किया है। कथत्येयं शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, जैसे भाष्य का लक्षण है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्य विदो विदुः। जहां सूत्र का वर्णन हो, सूत्र के अर्थ का वर्णन हो, वर्णैः ही एक एक वर्ण के द्वारा सूत्रानुसारिभिः सूत्र के क्रम के अनुसार, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते अपने पदों का वर्णन हो, उनको भाष्य जानने वाले लोग भाष्य कहते। तो पतंजलि ने अथ शब्द और शब्दानुशासन दोनों का व्याख्यान इसमें किया है, भाष्य किया है, इसलिए इससे भी हम यह जानते हैं कि यह महर्षि पतंजलि का ही आद्य सूत्र है अथ शब्दानुशासन। अब यहाँ प्रथम शब्द है अथ, तो इस अथ शब्द का क्या अर्थ है? तो एक श्लोक मिलता है अथ शब्द के 9 अर्थ होते हैं इस प्रकार का। अथाथो संशयेष्यातामधिकारे च मंगले विकल्पानंतर प्रश्न कार्यारंभ समुच्चये। अथ संशये अधिकारे मंगले विकल्पे अनंतर प्रश्न कार्य आरंभ और समुच्चय आदि 9 अर्थों में अथ शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ किस अर्थ में अथ शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ खुद भाष्यकार ही कह रहे कि अथत्येयम् शब्दोऽधिकारार्थ प्रयुज्यते। यहाँ जो अथ शब्द है वह अधिकार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अथवा एक और श्लोक मिलता है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका उभौ। अथ और ओंकार शब्द दोनों मांगलिक शब्द है, मंगलवाची शब्द है, इसलिए सभी सूत्रों में, सूत्र के जो ग्रंथ है अथ शब्दानुशासनम अथा तो गुज्जस्तालिपा कानम कर्म इत्यादि अथ से शुरू होने वाले प्राचीन ग्रंथों में सूत्र ग्रंथ मिलते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सर्व। तो अथ शब्द जो एक मंगलवाची भी है और अधिकारार्थ है, अधिकार का अर्थ प्रस्ताव होता है, अधिकारो
प्रस्ताव दो प्रकार के अथ शब्द में प्रयोजन है, प्रयोजनवाची भी है और अभिधेयवाची भी अथ शब्द है। यहाँ मंगलवाची भी होने से और अधिकारार्थ दोनों अर्थवाची होने से एका क्रिया द्व्यर्थ करी बभुव, इस प्रकार के एक सूक्ति प्रचलित है, एक ही क्रिया दो अर्थ वाली हो। जैसे आम्राश्च सिक्ता पितरश्च तृप्ता, कोई यदि आम के पेड़ के नीचे बैठकर के पितृ तर्पण कर रहा है तो वह पितरों को भी तृप्त करता है और आम के पेड़ के नीचे कर रहा है, आम को जल सींच रहा है तो आम को भी मिल रहा है, तो एक ही क्रिया से दो की पुष्टि। तो यहाँ भी एक क्रिया से दो की पूर्ति हो रही है, तो मंगलवाची भी है और एक प्रारंभवाची अधिकारार्थवाची है। अब आगे दूसरा शब्द है शब्दानुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। अत्र कर्तृ कर्मणः कृति इति सूत्रेण षष्ठी एवं षष्ठी तत्पुरुष समासे शब्दानुशासनम इति शब्द निष्पद्यते। अत्र लिखितमस्ति शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृत अधिकृतम वेदितव्यमिति। अनुशासन शब्दार्थः अनुशिष्यन्ते अर्थात असाधु शब्देभ्यः विविच्य बोध्यन्ते साधु शब्दाः अनेन इत्यनुशासनमिति। व्याकरण शब्द पर्यायः अनुशासनम्, शब्दानुशासनमिति व्याकरण शब्द पर्यायः। अनु उपसर्ग पूर्वक सासु अनुशिष्टौ धातोः करणे अर्थे ल्युट् प्रत्यय करोति, अनुशासन शब्दः निष्पद्यते। इस प्रकार से शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। यहाँ एक और प्रश्न भी यहाँ है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा विचार करें। यहाँ शब्दानुशासन शब्द में समास विचार है, यहाँ जो मूल है एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उसकी व्याख्या करेंगे। शब्दानुशासन शब्दे समास अनुपपत्ति ही, शब्दानुशासनम इत्यत्र कथम षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समास कृतः है, कथम षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समास कृतः है, कर्मणि च इति सूत्रेण कर्मणीय षष्ठी तदंतस्य समर्थेन शुभंतेन समास निषेधात् कथमत्र समास कृतः इति प्रश्नः। यहाँ प्रश्न है कि यहाँ जो शब्दानुशासनम में आपने षष्ठी सूत्र द्वारा जो षष्ठी तत्पुरुष समास किया है वह क्यों हुआ, क्योंकि एक सूत्र है कर्मणि च, कर्मणि च सूत्र से इस समास का निषेध होता है, क्योंकि कर्मणि च यह सूत्र यह कहता है कि कर्मणीया षष्ठी, कर्मणीया षष्ठी सा न प्रवर्तते, कर्म में जहां षष्ठी विभक्ति हुई हो वहां समास नहीं होता है। यहाँ कर्मणि च इससे यहाँ न इति जो नकार आता है निषेधवाची वह न निर्धारण इस सूत्र से अनुवृत्त होता है, तो इसका सूत्रार्थ होता है कि कर्मणि कर्म में जो षष्ठी विभक्ति होती है उसका समास नहीं होता है। तो यहाँ कर्म में शब्दानुशासनम में कर्म में जो शब्द कर्म है वहां षष्ठी विभक्ति हुई है द्वितीय को बाध करके कर्तृ कर्मणः कृति सूत्र के द्वारा। उस सूत्र का अर्थ यह है कि कर्तरी अर्थ में और कर्मणि अर्थ में क्रुदंतेन सह कर्तृ कर्मणः कृति क्रुदंत पदेन सह षष्ठी विभक्तिर्भवति द्वितीयां विहाय। तो यहाँ कर्तृ शब्दानाम अनुशासनम, तो यहाँ शब्द कर्म है, पाणिनि कर्ता है, लेकिन कर्ता उक्त नहीं है, कर्ता उक्त नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है कि सासु पाणिनि ही शब्दान अनुशास्ती, अत्र पाणिनि ही अत्र अनुशासन क्रियायाम कर्ता शब्दाः कर्म, अतः कर्तृ कर्मणः कृति सूत्रेण कर्तरी कर्मरी कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विधीयते क्रुदंतेन योगे। इसलिए पाणिनि करता है लेकिन वह उक्त नहीं है, ये कर्म जो है शब्द वह उक्त है, इसलिए शब्द में द्वितीय को बाध करके षष्ठी विभक्ति होती है। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम शब्दानाम इति षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहां कर्मणि च से निषेध होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कर्मणि च में जो चकार है वह चकार इत्यर्थक है, कर्मणि च में चकार जो है वह इत्यर्थक है। वहां एक दूसरा भी षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र है, वो सूत्र है तप्तौ कर्मणि, क्षम्यतां
तो दूसरा सूत्र है उभय प्राप्त कर्मणि। तो उभय प्राप्त कर्मणि जो सूत्र है उसका सूत्रार्थ यह है कि जहां कर्तरी और कर्मणि दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो वहां केवल कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। तो यहां जो कर्मणि च जो सूत्र जो है निषेध करता है वो इसी का निषेध करता है कि जहां कर्तरी और कर्मणि दोनों षष्ठी प्राप्त हो और वहां उभय प्राप्त कर्मणि से यदि षष्ठी विभक्ति हुई है तो उस षष्ठी विभक्ति का समास निषेध कर्मणि च के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ जो षष्ठी हुई वह कर्तरी कर्मण कृति सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई है, इसलिए कर्मणि च सूत्र से यहाँ निषेध नहीं होगा। जैसे दोनों जगह षष्ठी प्राप्त हो इसका उदाहरण है उभय प्राप्त कर्मणि का, आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन, आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन। अत्र गवाम दोह दोह कर्म अस्ति, दोह क्रिया अस्ति, गवाम इति कर्म, अगोप इति कर्ता, तत्र कर्तरी अपि षष्ठी विभक्ति प्राप्ता एवं कर्मणि गवाम इत्यत्र अपि षष्ठी विभक्ति, तत्र किं कर्तव्यम् इति प्रश्ने सति अयम् सूत्रमिदं निर्धारणं करोति। इस सूत्र से निर्धारित होता है उभय प्राप्तो कर्मणि से यदि कर्तरी और कर्मणि दोनों जगह यदि षष्ठी विभक्ति प्राप्त है तो कर्मणि में षष्ठी विभक्ति होगी। तो यहाँ जो गवाम है वह षष्ठी विभक्ति हो गई और कर्तरी अनुक्तत्वात् वहां तृतीय विभक्ति हो गई। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन, अगोपेन इति कर्तरी तृतीय विभक्ति जिस वहां, और दूसरा जो हमने सूत्र कहा कर्तरी कर्मण कृति, वहां कर्तरी का उदाहरण है कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति अथवा पाणिने है कृति ही। तो इस प्रकार कर्तरी में षष्ठी विभक्ति पाणिने है कृति ही, पाणिने है इति षष्ठी विभक्ति। द्वितीय अस्ति कर्मणि जगतः कर्ता, तो यहाँ जगत जो है वह कर्म है, तो जगतः कर्ता, तो वहां कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इस प्रकार से जो यहाँ कर्मणि जैसे षष्ठी विभक्ति का षष्ठी सूत्र से समास निषेध समास हुआ था उसका जो निषेध हो रहा था वह नहीं होगा, और शब्दानुशासन में जो समास है वह यथोचित ही है, यहाँ कोई भी बाधा है नहीं, यह स्पष्ट होता है। आगे देखें तो यहाँ शब्दों का अनुशासन हो रहा है, तो प्रश्न कर रहे हैं कि केशाम शब्दानाम, वहां कह रहे हैं कि लौकिकानाम वैदिकानाम च, लोके भवाः लौकिकाः वेदे भवाः वैदिकाः, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन होगा, लोके भवाः इस भव अर्थ में और वेदे भवाः और इस भव अर्थ में, अध्यात्मादेश ठई से ठई प्रत्यय करेंगे तो दोनों शब्द यहाँ बनेंगे लौकिक और वैदिक। और भी एक है सर्वलोका लोक सर्वलोका ठई, उस सूत्र से ठई इस सूत्र से भी ठई प्रत्यय करने पर लौकिक और वैदिक शब्द बनता है। तो लोक में होने वाले शब्द को लौकिक कहते हैं, वैदिक में वेद में रहने वाले शब्दों को वैदिक कहते हैं। यहाँ भी एक शंका है कि भाई लौकिक शब्द में सभी शब्दों का समावेश हो जाता है तो वैदिक शब्दों का पुनरुच्चारण करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ लौकिक में ही वैदिक का भी समाविष्ट हो जाता है, ये तो ही लोक में भी लोक में ही वेद है क्यों। तो वहां का एक ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय ना, सर्वे ब्राह्मण आगता है वशिष्ठा या आदरार्थम ब्राह्मण वशिष्ठ, जो वहां ब्राह्मण सभी आए हैं लेकिन वशिष्ठ को विशेष आदर दिया है। तो यहाँ लौकिक शब्दों में वैदिकों का समाविष्ट होता ही है, फिर भी वैदिक शब्दों को विशेष आदर देने के लिए वैदिकानां च ऐसा उपकल्प किया हुआ है। तो लौकिकानां वैदिकानां च उभय शब्दानां अत्र अनुशासनं क्रियते। तो आगे उसके उदाहरण दे रहे कि उसके उदाहरण कौन कौन से है, तो लौकिकः शब्दः तावत् गौः अश्वः पुरुषः अस्ति शकुनिः मृगः ब्राह्मणः, वैदिकः खल्वपि, वैदिक शब्द भी इस प्रकार से है षण्णो देवी रविष्टय इखेतोर्जेत्वा अग्निमिदे पुरोहितं अग्नि आयाहि वीते। तो यह लौकिक शब्द और वैदिक शब्द है। आगे है अथ गौरीत्यत्र कः शब्दः,
अब आप शब्दानुशासन कर रहे तो गौहु इत्यत्र का शब्द है, क्योंकि हम हमें ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है कि अयम गौहु, तो यहां आ गाय छे, तो इस गाय के साथ यह गाय है, तो यह जो यह पद जुड़ा वो क्यों जुड़ा, वह किस प्रकार से इसका अर्थ बोधन कराता है, तो यहां शब्द कौन सा है, इस प्रकार का हमें एक प्रश्न होता है। अतः गौहु इत्यत्र का शब्द है, क्योंकि क्या है कि शब्द और अर्थ का तादात्म्य संबंध है, शब्द और अर्थ का तादात्म्य अभिन्न शब्द संबंध है, तो गौहु ऐसा कहने से जो उपस्थित होता है वो उसमें शब्द कौन सा है, तो ऐसा प्रश्न आता है गौरित्यत्र का शब्द है। आगे यहां कह रहे कि गौ गौहु इत्यत्र का शब्द है, गौहु यह विज्ञात होने पर प्रतिभा समान वस्तुओं के मध्य में शब्द कौन सा है, तो गौहु या जो ये उच्चारित करते हैं तो इसमें शब्द कौन सा है, तो उसी का यहां स्वयं प्रश्न करके स्वयं ही उत्तर दे रहे किम यत तत् सासना लांगुल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम सशब्द, जो गाय में सासना है लांगुल है या ककुद यानी उसकी जो पीठ पर है वो खुर है उसकी खुरी, विषाण यानी उसके सिंग, यह सब है वह शब्द है, तो के नेत्याह द्रव्यम नाम तत् वह ये तो सब द्रव्य है, यह शब्द नहीं है, क्यों, क्योंकि शब्द जो है वह तो श्रवण का विषय है और द्रव्य है वह चक्षु का विषय है, द्रव्य वह तो आंखों से देखा जाता है, शब्द है जो तो कानों से सुना जाता है, तो वह यह शब्द नहीं है। नित्याह द्रव्यम नाम तत् तो कह रहे यही तदिंगितम चेष्टितम निमिषितम सशब्द, क्योंकि वह इंगित यानी जो दिखाता है, चेष्टा यानी चेष्टा करता है, व्यापार करता है, क्रिया करता है, या निमिषितम आंख की पलकारी, आंख का जो व्यापार है आंख क्रिया उसे कहते हैं निमिषित, तो वह शब्द है। तो नेत्याह क्रिया नाम सा तो कह रहे कि ये भी शब्द नहीं है, क्योंकि ये भी कानों का विषय नहीं है, ये तो क्रिया है, ये क्रिया भी शब्द नहीं है, तो क्या कौन सा शब्द है, तो कि यत्र ही तत् शुक्ल नील कपिल कपोत इति सा शब्द, तो वहां जो सफेद या नील या काबरचित्री कपोत ये सभी प्रकार के रंग, तो वह क्या शब्द है, तो नहीं वह भी शब्द गुणों नाम सह, ये तो सब गुण है, ये भी चक्षु का विषय है, ये भी श्रवणेन्द्रिय का विषय नहीं है, इसलिए ये भी शब्द न है, नित्या गुणों नाम सह। तरे यत्र ही भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्द, तो भिन्न होने पर भी अभिन्न रहता है, छिन्न होने पर भी जो अभिन्न रहता है वह सामान्य भूत आकृति या जाति ये शब्द है, क्योंकि जब देखा जाता है कि भिन्नेशु अभिन्नम जैसे माटी में से घड़ा बना है, घड़ा फूट जाता है तो भी मिट्टी तत्व तो वैसा रहता ही है, घड़े के छिन्न हो जाने पर भी वो तो अविच्छिन्न ही रहता है, तो भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अछिन्नम जो भिन्न होने पर भी अभिन्न रहता है, छिन्न होने पर भी अछिन्न रहता है, वह आकृति नित्या आकृति या जाति भी कह सकते हैं घटत्व जाति, तो यह सामान्य भूत यह शब्द है, तो नहीं यह भी शब्द नहीं है, यह तो आकृति है या तो जाति है, नित्या आकृतिर्षा तरही कस शब्द है, तो फिर शब्द कौन सा है, तो कह रहे हैं वहां पतंजलि ऋषि ये नोच्चारित सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द, जिसके उच्चारण से हमारे बुद्धि में सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी वाला एक प्राणी हमारे मन में जो चित्रित होता है, वही बुद्धो बुद्धि में जो हमारे शब्द का अर्थ स्फुटित होता है प्रकाशित होता है वही शब्द है। यहाँ ये नोच्चारित ने इस प्रकार से जो कहा तो जो गवादी शब्द वाच्य है वह क्या है, वह स्फोटात्मक है, जो व्याकरणों का मुख्य भाद है ऐसा कह सकते हैं कि मुख्य हेतु है या मुख्य उद्देश्य है स्फोट, तो जो स्फोट रूप है वही शब्द है, वह बुद्धि में ही स्थित होता है और वह मध्यमा वाक में देखा जाता है, अथवा दूसरा भी कह रहे हैं कि यहाँ
अथवा प्रतीत पदार्थ कह लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते। यथा लोक में जो ध्वनि होती है रव उसे भी शब्द कह सकते हैं। यथा हम कह रहे कि शब्दम कुरु माँ शब्दम कार्य ही कार्षी ही, आवाज करो माँ, आवाज करो या आवाज नहीं करो, शब्द कार्य मानव कही थी ध्वनि कुरुवन्ने वो उच्यते। तो मानव भी जो बजाने वाला होता है वह भी शब्द कार्य है, वह ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वह यहाँ जो इन ध्वनिवाच्य शब्द है उनकी कोई प्रतीति नहीं हो सकती है, दिमाग में पटपट हो रहा है या कुछ वाद्य की ध्वनि हो रही है, तो उस ध्वनि को शब्दवाच्य बनाने के लिए भी यहाँ यह दूसरा पतंजलि ने दिया है कि अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते। इस प्रकार से ध्वनि भी शब्द है, तो ये शब्द की व्याख्या यहाँ इस प्रकार से है, तो ये हमें ज्ञातव्य है। अब आगे इतना ही इस पाठ में रखेंगे, आगे के पाठ में हम शब्दानुशासन के प्रयोजन पढ़ेंगे, उसमें रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम इस प्रकार से हम पाठ पढ़ेंगे। आज इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अस्तु तावत् नमो।